दोस्तों आज तो कुछ ज़्यादा ही लंबी पैकिंग चल रही है ना, और बस अभी टाइमिंग हो गया है, 8 बजने वाले हैं समथिंग, आधे या फिर 1 घंटे में मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको पैकिंग कैसी चल रही है। पैकिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी चल रही है ना। देखो मैंने ये मैचिंग के हिसाब से करके रख दिए हैं, और ये वाइट पैंट है तो इस पे के लिए पता नहीं कौन सी शर्ट या टी शर्ट लगानी है। ये ब्लैक पैंट हो गई, और इधर जो है एडजस्ट कर दिया है मैंने, और अंदर अब बैग में है शायद कुछ नहीं है बैग में, है ना, कोई भी कपड़ा। और ये पहन के जाने हैं तो ये एक साइड रखे जाएंगे, और अभी शायद पैंट की कमी हो रही है क्या, ऐसा लग रहा है ये इस पे लग जाएगी, और इस वाइट को इस पे लगा देंगे ब्लैक पे। आई थिंक 3 to 5 एंड 6 तो 6 जोड़ी हो गए हैं, और बाकी 2 जोड़ी मेरे वहीं पे हैं दीदी के घर पे ही, तो ये काफ़ी रहेंगे ना, इतने काफ़ी हैं, है ना, बाकी कमी पड़ेगी तो देख लेंगे। और हाँ, एक जोड़ी जूते भी लेके जाने हैं साथ में, है ना, क्योंकि जूते मैंने लेके नहीं गया था ना, तो एक जोड़ी तो बनते ही हैं, और प्लस एक जोड़ी सैंडल, तो आज तो बैग भी फुल भर जाएगा, है ना। और अगर सपोज दैट ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक पॉलीथीन अलग से यूज कर लूँगा, है ना। और डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, तो अब मैं जाता हूँ सीधा जूते लेने के लिए और सैंडल लेने के लिए, जो कि रखे हैं बैठक में सामने वहाँ पे, है ना। तो चलते हैं फ्रेंड्स। और अभी यहाँ तो हो रहा है अंधेरा, लाइट रही है यार, तो मैं यहाँ जला लेता हूँ बल्ब। ये मैंने लगा दिया प्लग, और इधर रखे हैं मेरे डॉक्यूमेंट, और कुछ कपड़े मेरे इधर रखे हैं, तो इनमें से कुछ भी कोई सा भी मैं लेके नहीं जा रहा हूँ ना, ये घर पे पहनने के सब। और इधर बैग में रखे हैं शायद, या फिर शायद इस वाले थैले में, है ना। तो ये मैं देख लेता हूँ, और फिर उसके बाद कौन कौन से लेके जाने ये भी चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, ये ना उस्मानी कोचिंग सेंटर जटपुरा इस पे लग रहा है बैग पे, ये बैग मेरे को वहाँ से मिला था, उस्मानी कोचिंग सेंटर जटपुरा में जाता था, तो मैंने कोचिंग की थी ना, तो मैंने जटपुरे में ही कोचिंग की थी उस्मानी कोचिंग सेंटर पे, तो वहीं से बैग वितरण की एक पॉलिसी चली थी ना, पॉलिसी बोल सकते हैं, तो वहीं से मेरे को ये बैग मिला था, और अभी भी मेरे पास ही है। मैं इसको यूज कम करता हूँ लेके जाने में कहीं पे, क्योंकि नॉर्मल जो होता है ना बैग उसको ज़्यादा ले जाते हैं। तो अभी देखो बैग जूते ये भी रखे हैं, तो पता नहीं ये वाले लेके जाने हैं या फिर दूसरे, तो पहले तो मैं डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं जूते और सैंडल। दोस्तों सब कुछ रेडी कर लिया है, बस अब बैग में रखने की बारी है, तो ये जूते और इसमें डॉक्यूमेंट, और प्लस ये जो मेरी परमानेंट मतलब पर्सनल चीज़ें, और ये जो पहन के आया, और ये सैंडल, और ये वेस्ट है तो इसको फेंक देना है, बस इतना ही सब कुछ है, और बाकी तो मैंने और कुछ नहीं लिया है। तो और ये पेन वगैरह ले लिए हैं इतना इतने सारे, क्योंकि पेपर तो कई दिन चलेंगे, और ये मैंने ऑप्टिकल सेकेंड वाला भी ले लिया है अपना, और प्लस अपने वॉच भी ले लिए हैं, और प्लस अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया है ना, सपोज दैट ज़रूरत पड़ जाती है तो। और ये वाइटनर भी ले लिया है, और प्लस ये अपना फ़ोन का कवर भी ले लिया है ना सेफ्टी के लिए, अब मैं इसको यूज़ किया करूँगा, अब तक नहीं करता था, और बस यही है सब कुछ, ठीक है। अब मैं इसको रख लेता हूँ बैग में, और उसके बाद मेरे को नहाना है ना, तो अब मैं इन सबको बैग में रख लेता हूँ, और उसके बाद फिर मेरे को नहाना है, और नहाने के बाद फिर निकलना भी होगा। अभी 8:15 हो गए हैं ना, वैसे भी टाइमिंग बढ़ता ही जा रहा है, तो टाइमिंग तो अपनी जगह रुक नहीं सकता ना, तो चलिए हम भी अब जल्दी से यार तैयार हो जाते हैं ना। हाँ दोस्तों, मैं तो रेडी होके घर से और निकल आया हूँ, और अब जा रहा हूँ डायरेक्टली रोड पे, और बस का वेट करके डायरेक्टली सिरस मदुराए से जाना है मेरे को कॉलेज, जो कि HM पब्लिक ऐसी कुछ नाम है उसका, तो उस कॉलेज में मेरे को इंटरव्यू देना है ना, इंटरव्यू समझ लीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे से इंटरव्यू ले लेना, सपोज डेट आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे पढ़वा सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। तो बस मैं बस का वेट करूँगा और निकल जाऊँगा, ठीक है। तो अब तो या तो मैं कॉलेज जाके मिलूँगा, या फिर दीदी के घर पे, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों मैं भोजपुर तक तो आ गया हूँ बाइक से, जो गांव के एक भैया हैं उनकी बाइक से आ गया हूँ, और उन्होंने बाइक पर बैठा लिया था, रोक ली थी एक्चुअली। वो जो है ना यहाँ भोजपुर में किसी काम से रुक गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर बस मिले तो चले जाना, नहीं तो मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, है ना, तो मैं वेट करूँगा। बस तो सामने नज़र आ नहीं रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि बस मिलेगी, तो या तो मुझे उनके साथ ही जाना होगा, या फिर ऑटो वगैरह से, ठीक है। तो दोस्तों मैं सिरस मदुराए आ गया हूँ, और भोजपुर से मैं इसमें बैठ गया था, बस मिल गई थी मेरे को, तो मैं उतर गया हूँ, है ना। और अब मैं दीदी को कॉल लगाऊंगा, और दीदी से पूछना है कि दीदी वहाँ पे कहाँ किससे मिलना है ना,
तो आई थिंक प्रिंसिपल से ही मिल रहा हूँ, बट मैं जानता नहीं हूँ ना प्रिंसिपल सर को, तो अब मैं दीदी से कॉल करके पूछ लेता हूँ, ठीक है। हाय दोस्तों, तो अभी टाइमिंग हो रहा है 1 बजने वाला, यानी कि 12:45 हो रहे हैं PM, है ना। तो मैं कॉलेज से निकल आ गया हूँ, देखो ये सामने पीछे कॉलेज है। तो मैं जैसे कि मैं आ गया था ना टाइम से, तो मैंने 2 क्लास को आज पढ़ाया भी था, जिसको 11th को और 10th को, और दोनों में ही इंग्लिश पढ़ाई थी। हाँ, दोनों में ही इंग्लिश पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। और इंग्लिश में आज मेरा पहला टॉपिक रहा था ग्रामर का, तो मैंने अभी पूछा नहीं है कि वीडियो मतलब शूट करना अलाउ है या नहीं, तो इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट डे है तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना। तो अब उन्होंने मेरे को सब कुछ बता दिया है, और शायद बच्चों से उनको सुनने में आया है कि बच्चों ने कहा है कि ठीक पढ़ा रहे हैं ना, तो ये तो अब पर डे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं मॉर्निंग में आऊँगा, मॉर्निंग में बुलाया है मेरे को 7:30 AM पे, और छुट्टी होती है 12 बजे, तो मैं आ जाऊँगा सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ, पैदल ही जाना पड़ेगा, अब तो यार 1.5 किलोमीटर का समथिंग है, तो पैदल जाना होगा घर को, यानी कि वहीं पर गोदी को। तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, खाना भी नहीं खाया कुछ भी, तो अब घर चल के पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाना है बच्चों को, जो कि 4 बजे से। तो एक खास बात मैं आपको बता दूँ, ध्यान रखिएगा सभी, है ना, सभी मेरे फ्रेंड्स, है ना, कि अब मेरा व्लॉग जो है ना वो डेली एक्टिविटीज़ का तो जैसा भी आएगा ही आएगा, जिसमें कि ट्यूशन से रिलेटेड सब कुछ होगा ज़्यादातर, और हो सकता है कॉलेज से रिलेटेड भी हो, ये तो डिपेंड करता है जो वहाँ के सर हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये भी सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए मैं चलता हूँ और खाना खाता हूँ जाके, ठीक है, अब मैं वहाँ पहुँच के मिलता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, मौसम हो रहा है बहुत बारिश का, पहले तो बारिश पड़ती रही थी जब मैं कॉलेज में रुका हुआ था, बट जैसे बारिश रुक गई मैं आ गया। आधे रास्ते में मुझे एक यहीं के मतलब मिल गए थे बाइक से, तो मैं उनके साथ बैठ के आ गया आधे रास्ते से, नहीं तो मैं बहुत थक जाता, 2 किलोमीटर के समथिंग है ना, समथिंग 2.5 किलोमीटर है, बच्चों का कहना है कि 2.5 किलोमीटर है ना। तो अब मैं फाइनली घर पे आ गया हूँ, शर्ट मैंने उतार दिए, कपड़े चेंज कर लिए, फॉर्मल कपड़े पहन लिए हैं, है ना, लोअर टी शर्ट पहनने वाला हूँ, और मैं दिखा रहा हूँ अब खाना खाऊंगा ना, भूख लग रही है, लाइट आ रही है। देखो दोस्तों, ये इधर छवि और इधर अनिकेत भी अपने काम में लग गया है, आके अपने घर नहीं जा रहा, यहीं पर करेगा काम आके, और दीवांश भी अपना काम करने लग गया है, और दीक्षा की सारी किताबें फैली पड़ी है, दीक्षा अपना काम कर रही थी बट अभी खाना खाएगी। खाने में बनी है, देखो ये बनी है लौकी की सब्ज़ी और प्लस चावल, है ना, चावल अभी बने हैं, लौकी शायद सुबह बन गई थी। और दीदी गई है ताजपुर को हॉस्पिटल को, जैसे कि वो आशा है तो उनको काम पड़ता ही रहता है ना, तो पता नहीं वो कितनी देर में आएगी, जैसे मैंने कॉल करा था तो बोल रही थी कि 3 बजे तक समथिंग मैं आ जाऊँगी, तो कोई नहीं, अब मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर ट्यूशन भी पढ़ाना है, तो अब मैं खा लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ना दोस्तों, टाइम हो गया अभी 3:30 हो गए हैं, यानी कि 3:30 बजे है ना, लेकिन ट्यूशन टाइम में तो अभी आधा घंटा बाकी है, बट मौसम बहुत ख़राब है ना, तो इस वजह से हो सकता है लाइट किसी भी टाइम प्रॉब्लम कर सकती है, तो अभी लाइट आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी स्टार्ट कर दूँ, बच्चे तो यहीं के पास गए हैं, तो बच्चे आ भी गए हैं, तो मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब से पढ़ा दूँगा, कोई नहीं, लाइट आ ही रही है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लिखने नहीं है, मैं सुनूंगा, ठीक है। सवाल ये है, 8, 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,